जीटीवी न्यूज। जनपद कासगंज में बीते दिन से हो रही लगातार बारिश का कहर जारी है। सोर कोतवाली के गांव इस्लामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 5 बच्चियां बुरी तरह घायल हो गई एवं 15 वर्ष की लड़की की बिजली की चमक से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिलहाल बच्चियों का जिला हॉस्पिटल कासगंज में इलाज चल रहा है। घटनाक्रम के अनुसार कल शाम से जनपद कासगंज में तेजी से बारिश हो रही थी। जैसे ही सुबह लगभग 4 बजे अपने घर के बरामदे में सो रही बच्चियों के ऊपर चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी तो 5 बच्चे बुरी तरह घायल हो गयी। आवाज सुनते ही उनकी बड़ी बहन उसके कमरे से आई तो बिजली की चमक से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और बच्चियों के घर में कोहराम मचा हुआ है। जल्दी जल्दी परिजनों ने सभी बच्चियों को जिला हॉस्पिटल कासगंज में भर्ती कराया। 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं आंखों की रोशनी जाने के कारण सबसे बड़ी लड़की को आंखों की रोशनी जाने के कारण अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। अब यहां सोचने की बात यह है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार आपदा प्रभावित लोगों को आनन फानन में तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा गया है, लेकिन जिले के अधिकारी अपनी लंबी नींद में सोए हुए हैं। प्रशासन द्वारा न तो अब इनके घर पर कोई सरकारी अधिकारी गया है और न ही जिला हॉस्पिटल में रहने वाली है। इस्माइलपुर। क्या हुआ था रात? बिजली गिरी तो बिजली की चमक से इनकी रोशनी चली गई आंख की। और कितनी बच्चियां घायल हैं आप? घायल हैं 6, 4 जली हुई हैं, 1 की रोशनी चली गई, 5 मुंह पे छठी के चोट है। कहाँ लेटी हुई थी ये? किस बरामदे में लेटी हूँ, जे कमरा में लेटी, एकदम बाकी दहल से बाहर लेकर के बाजी। अब क्या क्या कहाँ ले जा रही है? अब नहीं लेके आए, पहली बार इन्हें मना कर दी के आंखों की आँख की मना कर दी, वो तो 5 कर लें इनसे कह दी या आगरा या अलीगढ़ में। कोई अधिकारी आया अभी आपके? अभी कोई नहीं आया है, कोई नहीं पहुंचा, फोन तो सुबह से करी। घटना कितने बजे की? घटना 4 बजे की। कासगंज से हमारे संवाददाता विजय कुंडे की खास रिपोर्ट।